अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलो जी गाइस, आज का व्लॉग करते शुरू। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, माशाल्लाह धूप निकली हुई है। तो आपका भाई आया छत पे, तो आपको पता है कि आपके भाई ने टिंड करवाई हुई है। देखिए ना कैसी है टिंड, तो टिंड करवाई हुई है, तो तेल लगाना तो बनता है ना। तो आपका भाई तेल लगाने लगा है, हेयर ऑयल चेक करें। तेल ढकना खोले सबसे पहले, ज़्यादा डाल देना। ये जी तेल लगा लिया, ओ हाथ में डाल दिया, अब लगा मिल गया। आए हाय हाय हाय, ओए हो हो, तिलकाड़ा हाथ मारी के जाऊँ, टिंड पे हाथ मारी के जाऊँ, बहुत मज़ा आ रहा है। तेल हमने लगा लिया, इसको करते हैं बंद। तेल काफ़ी ज़्यादा लग गया हुआ। तो भाई आज का पहला काम ये है कि ये हमारा जो छत है कमरे का, तो ये जो है ना कच्चा है, मिट्टी का छत है। तो आज हमने इसको लिपना है। तो ये आपको छत ये आप देख सकते हैं कि जो मिट्टी है ना भुर गई है। तो इसके बनेरे जो है ना बनेरे लिपने, इसके बनेरे लिपने हैं, वहाँ नीचे से मिट्टी लेके आनी है ऊपर छत के, छत के ऊपर मिट्टी लेके आनी है। और फिर इसके के ऊपर कहानी करनी है, छत के ऊपर ही कहानी काट लेंगे। तो तुम के साथ कहानी करनी है, कहानी करके आपको बता दें। तो भाई हम सीढ़ी लेके आए थे ये, तो ये आप देखते हैं छोटी है। तो हमने सोचा था कि सीढ़ी के ऊपर से दावड़ा चुप के ना जाएंगे ऊपर, तो टिंड को भी पता लगना था। तो ये ऊपर से सीढ़ी भी छोड़ी है, तो अब हम आपको दिखाते हैं जी पाकिस्तानी जुगाड़। ये लेके आए हैं जी करमंडल, सौर में लेकर आए हैं जी रस्सी जो है ना करमंडल के साथ बांधते हैं। अब करमंडल में ही लेके जाएंगे मिट्टी में जो है ना थोड़ी सी चाहिए ऊपर, इस वजह से ना हम करमंडल में ही ले जाते हैं। सीढ़ी आप देख सकते हैं छोटी है, काफ़ी हद तक छोटी है। ये देखें, ये इसका डंडा भी नहीं है, ये डंडे तीन हैं, एक नहीं है, तीन चार हैं, फिर एक नहीं है। तो हम पाकिस्तानी जुगाड़ भी करते हैं। तो सबसे पहले जी तो आप कहा लेते हैं जगह जहाँ से हमने मिट्टी लेनी है। ये जो है ना काफी हद तक ये जी साफ कर लिया। अब हम यहाँ से मिट्टी लेके ऊपर जाएंगे, तो आपको बताते हैं कैसे करना है। तो गाइस अब हम मिट्टी जो है अगर मंडल में भरने लगे हैं, पहला अगर मंडल है इतनी ही बड़ी है। अब हम जो है ना इस रस्सी के साथ ऊपर खींचेंगे। तो वैसे रस्सी मैंने पकड़ ली, अब मैं जा रहा हूँ ऊपर छत के। छत पे मैं आ गया, अब जो है ना मैं कमरे में ऊपर करने लगा हूँ। दीदी भाई जो है ना ऊपर करा आ गए। तो भाई ये हमने मिट्टी ऊपर ले आए हैं, ऐसे ही सारी मिट्टी ऊपर लेकर आनी है। तो भाई अब मैं करमंडल बड़ी जाऊंगा और हम भाई ऊपर खींच जाएंगे। तो बनने लगे हैं जी करमंडल। Gracias.
ऐसे ही हम सारी मिट्टी जो है ना ऊपर लेके जा रहे हैं, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है तो हम कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। वही आप देख सकते हैं कि हमने इतनी मिट्टी भर ली है कि नीचे जो है खड्ड पैर गया, तो अब हम इसमें डाल देते हैं। तो सही तरह बनना, अब दो सेंडे आ गए, कमल सेंडे को भी बुला। अब जो हम ऐसे ही मिट्टी ऊपर चढ़ने चढ़ रहे हैं, तो थोड़ी सी अभी और चढ़नी है, तो फिर हम कहानी करेंगे, कहानी करके सही से बनेरे जो है लिभेंगे। चलो मैं भाई शुरू करो। तो गाइस अभी इतनी मिट्टी जो है ना ऊपर आ गई है, तो अब हम दो कड़ मंडल बस ऊपर और मिट्टी लाएंगे। चलो जी तो गाइस अभी जो है ना लास्ट लाकर मंडल है ऊपर जाने वाला। तो आपने बताने के पाकिस्तानी जुगाड़ आपको कैसा लगा? बकवास लगा। चलो तो गाइस अभी सारी मिट्टी जो है ना ऊपर हम ले गए हैं जितनी हमें चाहिए थी, अब आपको ऊपर जाकर बताते हैं। तो गाइस हम इतनी मिट्टी ऊपर लेके आए हैं छत के ऊपर, तो अब हम इसकी करने लगे कहानी, थोड़ी लेके आने लगा हूँ मैं, थोड़ी ला के आपके बताते हैं। तो गाइस अब हम जो है ना थोड़ी बोरे से निकालने लगे हैं। ऊपर जो है तोड़ी है इसमें लाइट हम नहीं डाल। तुड़ी जो अभी ज्यादा है लेकिन बाद में ठीक हो जाएगी। गाइस एक दफ़ा जो है ना हमें वाट दे रही है, तो अब हम देंगे दूसरी दफ़ा। तो गाइस अब हम जो है ना दूसरी दफ़ा वाट देने लगे हैं, मतलब दूसरी दफ़ा लगाने लगे हैं। ये आप देख सकते हैं अब सही डाल लगा, अब सही से मिक्स हो गई है। Thank you.
सारी मिट्टी हमने सही से मिक्स कर ली। अब हम इसको खोलने लगे हैं, खोल के इसके अंदर पानी डालते हैं। अब ऐसे सही थे खोल देने चोरा कर लाए। ये जी हो गया, अब इसके अंदर जो है ना यहाँ पे पानी डालना है, तो पानी ले जाते हैं। तो भाई अभी हम सॉफ्टवेयर मंडल लेके आए हैं, ये टैंकी में पानी है, तो पाए पानी। अब हम टैंकी से पानी निकाल के वहाँ पे लेके जाएंगे। ठीक है जी, माशाल्लाह पानी हमने निकाल लिया, हम वहाँ लेके जाते हैं। भाई ये ना पानी ले गए हम मैदान के लिए, अभी थोड़ा सा और पानी डालना है, वो भी ले कहते हैं फिर डालते हैं। गाइस ये है जी लास्ट वाला करमंडल, तकरीबन हमने 14 करमंडल डाले हैं, 14 10 और 4 14 करमंडल डाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि पानी जो है बहुत पाने लग गए, पैसे कर देते हैं। जो पानी ना बाहर आ सके इस वजह इस ऐसे करने से ना पानी बाहर नहीं आएगा। इधर देखेंगे इधर कितना आ गया है। भाई अब हम करने लगे ऐसे, ये देखिए पानी आ रहा है बाहर, लेकिन अब जो है पानी बाहर को नहीं आएगा। तो अब हम जब ये सारा पानी सूख जाएगा, मिट्टी जो है पानी जब कर जाएगी, फिर आपसे मिलेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, तो जैसा कि आपको पता है कि कल हमने की थी कहानी, तो कल मुझे एक काम था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकता, तो आज मैं अपने दोस्तों को साथ लेके आया हूँ। दो दोस्त ये है कि कैमरा पकड़ा हुआ है, तो अब हम ये मुझे मेरे साथ हेल्प कराएंगे, अब हम सही से कहानी करेंगे फिर लिखेंगे। तो अभी आपको बताते हैं पानी डालना है इसके अंदर, ये देखें कल वाला पानी जो है सूख गया हुआ है, दोबारा से पानी डालना है, पानी डाल के ना फिर इसको सही से मिक्स करना है, लात शात मारनी है इसके अंदर। तो फिर हम इधर ये सबसे पहले ब्रेड पर लगाएंगे, तो आपको बताते हैं कैसे करना। सबसे पहले हम वो टैंकी से पानी लेके आने लगे हैं, पानी लाते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो गाइस अब हम करमंडल के साथ निकाल रहे पानी, पहले इस करमंडल में डालते हैं। ईशान भाई लेके किधर जाता है, तो दूसरा भी निकाल लिया, मैं लेके जाता हूँ। फादी भाई पानी डाल रहे हैं, डाल दिया पानी के। थोड़ा सा और भाई पानी डालेंगे अभी, फिर लगता है मुकम्मल हो जाएगा। देखो बड़ी बाल्टी लेके आए हम लोग पानी की, पानी मुकम्मल हो जाएगा अभी, दो बाल्टी आ रही है। इन लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छी जबरदस्त चाय बना दिया है। वैसे हमने अब हमने पानी डाल दिया है, तो अब हम मैं देने लगा वाटर ऐसे करके।
से काट के जी सही से वाट देनी है पैर मारने इसके लिए। कौन तो भाई हमारी कहानी तकरीबन जो हो गई है, तो अब हमें नहीं बस इकट्ठी करनी है और पैर मारना है, क्योंकि ब्रीक हो जाए जो टेलियाँ हैं वो पैर मारने से फिस जाएंगी। ये जी अपनी कहानी हो गई है। आप देख रहे हैं हमने शक्कर कर दी है, पानी हमने बिल्कुल डन कर दी है, तो अब थोड़ी सी धूप लगती है, तकरीबन 3 बजे तक ना हम पूरी से लगा पिछले टाइम ना हम लगाएंगे, तो अभी इसको तो भाई ये हमने कहानी की हुई है तो 2-3 दिन हो गया यहाँ पे ही पड़ी है, तो हमने इधर लगानी थी तो मुझे लगाने की नहीं जा आज, तो इधर भी लगानी थी सामने इधर, तो सेंटर में नहीं थी लगानी, दरमियान में नहीं लगानी थी, तो आप तुम चेक करें कितनी ज़्यादा पड़ी हुई आज। इधर को साफ दिखाई दे रहा लेकिन इधर को इतना साफ दिखाई नहीं दे रहा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।